just wanna dance to feel good. Yeah, I feel good. नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप सबका आपके और मेरे चैनल टेक्नो अमेज पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम जीते का एक नए गेम, एक नया वर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। हम सभी ने जीते का सारा गेम खेल लिया है, जैसे जीते वॉइस सिटी हो, जीते बैक टू द फ्यूचर हो, जीते सैन एंड्रियास हो। आज हम मैं बात करूँगा जीते के एक नए गेम की, जीते चाइनाटाउन वॉर्स। जी हाँ, जीते गेम इतना कमाल का गेम है जिससे कोई भी गेम आपको बोर नहीं लगेगा। तो आज के इस वीडियो में जीते चाइनाटाउन वॉर को आप अपने फोन में बिल्कुल फ्री कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इस बारे में बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जीते चाइनाटाउन वॉर अगर गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज लगेगा। चलिए देख लेते हैं। से क्लिक किया, यहाँ आप देख रहे हैं इसकी चार्ज है 156 रुपीज। जी हाँ, अगर आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो आपको 156 रुपीज का चार्ज लगता है। इसके लिए आपको आपके डेट पेमेंट डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उसके बाद ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आज के ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जीते चाइनाटाउन वॉर आपके फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे धांसू गेम्स की आइडियाज पाने के लिए, ऐसे फ्री गेम्स को पाने के लिए क्या ट्रिक है, ऐसे ट्रिक जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो गेट सेट गो। सबसे पहले आपको क्रोम, फायरफॉक्स या फिर यूसी ब्राउजर, कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना होगा आपके कंफर्ट के हिसाब से। कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। आपको गूगल में टाइप करना है जीटीए चाइनाटाउन वार REVDL सर्च कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन आएगा, उसे टिक कर दीजिए। उसके बाद जो वेबसाइट खुलेगी दोस्तों, ये वेबसाइट कमाल की दोस्त जो वेबसाइट खुलेगी, ये वेबसाइट आपको बुकमार्क कर देंगे, क्योंकि इस वेबसाइट से आपको सभी तरह के HD गेम या नॉर्मल गेम जो आप खेलना पसंद करते हैं उस फ्री में चाहिए तो ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। जैसे आप नीचे आके देख रहे हैं, इसके अंदर सारे गेम्स दिए हुए हैं, Assassin's Creed, द मेज रनर, स्पाइडरमैन, सिक्स गन्स गैंग, Dead Trigger 2, ऐसे सारे गेम्स आपको यहाँ से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं GTA चाइनाटाउन वॉर की, तो उसका इंटरफेस कमाल का इंटरफेस है दोस्तों। तो सब देख चेक करें, इसका लुक जो है थोड़ा नया है, ये GTA सैन एंड्रियास से थोड़ा पुराना है, बट GTA वॉइस सिटी से थोड़ा नया है। तो अगर आप कुछ नया खेलना चाहते हैं तो GTA चाइनाटाउन वॉर खेल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ गो टू डाउनलोड पेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। सर क्लिक करते ही आपको एक नई पेज ओपन होगी, इस नई पेज पे ही आपका डाउनलोड लिंक है। इसमें आप देख रहे हैं दो APK दिया है, एक APK मोडेड है, एक APK नॉर्मल है। जो मोडेड APK है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि मॉडिफाइड किया हुआ APK है। इसमें आपको अनलिमिटेड मनी का ऑप्शन आएगा। अगर ये मोडेड एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको गेम में अनलिमिटेड मनी का ऑप्शन दिया रहेगा। अगर आप नॉर्मल APK डाउनलोड करते हैं तो आपको नॉर्मल गेम की तरह खेल सकते हैं, इसमें आपको कोई सीट कोई अनलिमिटेड मनी नहीं रहेगा। साथ साथ यहाँ से आप डाटा फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐड खुलेगी, उस ऐड को आपको बंद करना है। उसके बाद आप कोई भी गेम, उसके बाद आप डाउनलोड APK पर क्लिक कर दीजिए। ये फाइल देखिए डाउनलोड हो रही है, मैं इसे पहले कैंसिल करता क्योंकि ये फाइल ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर ली है। मैं आपको बस एक डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको बताया कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसी तरह से आपको डेटा फाइल भी डाउनलोड करनी है। दोनों फाइल डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद आप जो है आपके फाइल मैनेजर में जाइए। नॉर्मली मैं फाइल मैनेजर जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है ES फाइल एक्सप्लोरर। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो बहुत बेस्ट है। अगर आप नॉर्मल फाइल मैनेजर यूज़ करते हैं तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग से ZArchiver या RAR की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ES फाइल एक्सप्लोरर में आपको सभी कुछ एक जगह पे ही मिलता है। तो चलिए चलते हैं। ES फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लिया, डाउनलोड में गए। जैसे आप चेक करें डाउनलोड में आपको दो फाइल दिखाई दे रही है, GTA चाइनाटाउन वॉर और GTA वॉर्स
ये दो फाइल आप देख रहे हैं, ये दो फाइल अभी हमने डाउनलोड की है। ये तो ये दो फाइल में आपको सबसे पहले एपीके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से क्लिक कर लीजिए, इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, सेटिंग में जाइए, अननोन सोर्स, ओके, यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिए। ये इंस्टॉल हो गया दोस्तों, से डन पे क्लिक कीजिएगा, ओपन मत कीजिएगा, डन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद जो हमें जो डेटा फाइल डाउनलोड की है उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। सेलेक्ट करते हैं मोर, एक्सट्रैक्ट टू, एक्सट्रैक्ट टू करेंगे तो आपको पाथ देना है। जो पाथ आप देंगे वो पाथ आप जो है आपका एसडी कार्ड में देन आपको एसडी कार्ड में डेटा फाइल में OBB, अगर OBB फोल्डर आपने नहीं बनाया है तो बना लीजिए, क्योंकि OBB फोल्डर में ही आपका डाटा फाइल जाता है। OBB में क्लिक करते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। उसके बाद ओके कीजिए। अभी आपकी जो फाइल है वो आपको कट पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आपने डायरेक्टली उसका लोकेशन OBB फोल्डर में सेट कर दिया है। अभी ये फाइल डायरेक्टली उस लोकेशन में सेव हो रही है जहाँ इसे होना चाहिए, तो उसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो गई। हम क्रॉस चेक करने के लिए, दोबारा से वेरीफाई करने के लिए जाके देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली सेट हुआ या नहीं। जी हाँ दोस्तों, जिसका चेक कर रहे हैं फोल्डर सेट हो गया है। अभी हम डेस्कटॉप पे जाते हैं, हमारे हमारे फ़ोन के जो होम पेज पे जाते हैं और देखते हैं कि हमारा GTA Chinatown Wars सब देखिए दोस्तों, मेरा GTA Chinatown Wars जो है इंस्टॉल हो गया है और OBB फाइल भी सेट हो गई है। अब मैं इसे प्रॉपरली खेल सकता हूँ और मुझे कोई एरर भी नहीं दिखाई देगा। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। दोस्तों इस तरीके से आप GTA Chinatown Wars अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और उस गेम का मजा ले सकते हैं। आई होप दोस्तों ये ट्रिक आप जरूर आजमाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। ऐसे गेम्स को आइडियाज पाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।